साथियों नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा सबका स्वागत करती हूँ। अपने घर की हीलिंग हमको कैसे करनी चाहिए, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। बहुत सारे माध्यम ऐसे होते हैं जिनसे हम अपने घर की हीलिंग कर सकते हैं। हीलिंग मतलब अपने घर में पॉजिटिविटी को भर सकते हैं और सारी निगेटिविटी को हील करके घर से बाहर हम निकाल सकते हैं। बहुत सारे आसान छोटे छोटे उपाय हैं जो आप अपने घर में कर सकते हैं। सबसे पहली शुरुआत हम रेकी से करेंगे। अगर आप रेकी में हैं तो अपने घर की हीलिंग करना आपके लिए सबसे आसान होता है। आपको क्या करना है, रेकी के सिंबल्स बनाइए, जिस भी सिंबल से आप अट्यून हैं। कुछ लोग लेवल 2 पर होंगे, कुछ लोग लेवल 3 पर होंगे, या जैसा भी आपका लेवल है उसके हिसाब से अपने हाथों में सिंबल बना लें और अपने घर को ऐसे करके 5 मिनट 10 मिनट रोज हीलिंग करने की नियम बनाइए। ये रेकी हीलर्स के लिए मैं बता रही हूँ। किसी भी तरफ बैठ जाएं और अपने घर में ऐसे हीलिंग दें। याद रखना है आपके हाथ घर के दरवाजे की तरफ नहीं होने चाहिए। हमेशा एनर्जी हमारे घर में अंदर आनी चाहिए, यानी पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आनी चाहिए, ना कि हम बाहर भेजें। तो ऐसे पोज में बैठें कि आपके हाथ घर के अंदर की तरफ रहें, यानी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में फ्लो हो रही है। तो आपने क्या करना है, किसी भी एक जगह बैठ जाएं, सभी सिंबल बनाएं, रेकी को हाथ में कॉल करें और अपने घर में एनर्जी दें कि बहुत सारी रेकी मेरे पूरे घर में प्रवाहित हो रही है, घर के कोने कोने में पॉजिटिव एनर्जी और रेकी का फ्लो चल रहा है, हर तरफ रेकी की एनर्जी है, मेरा पूरा घर सुख समृद्धि और खुशहाली से भरा हुआ है। तो इस प्रकार से हीलिंग करके आप अपने घर के कोने कोने को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। रेकी में बहुत शक्ति होती है, 5 मिनट 10 मिनट निकालकर इस्तेमाल करके तो देखिए, देखिए कैसे रेकी आपका जीवन, आपके घर में खुशहाली बदलती है, खुशहाली लाती है, टेंशन दूर करती है और हंसी खुशी का माहौल ला देती है। आपको क्या करना है, रेकी हाथ में जब आपने बुलाई है, हीलिंग आप कर रहे हैं, अपने दीवारों पे भी रेकी के सिंबल्स को डाल दीजिए, सेहकी को डालिए, मेंटल पीस सबको देगा, चोकरे को डालिए, चोकरे सबको प्रोटेक्शन देता रहेगा, और भी जिन सिंबल्स से आप अट्यून हैं उन सिंबल्स को घर की दीवारों पे चारों तरफ डाल के रखिए। आप देखिए कैसे आपके घर में खुशहाली आती है और हर तरफ से सुखी सभी लोग रहेंगे। तो ये होता है घर की हीलिंग का पहला तरीका। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रेकी नहीं जानते हैं, काफी लोग लिखेंगे मैडम रेकी नहीं जानते, तो ऐसे लोगों के लिए तो सबसे पहले मेरा सजेशन है रेकी सीखिए। रेकी के इतने फायदे हैं कि आपको इतनी सारी काम आप खुद कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को हील कर सकते हैं, घर के छोटे मोटे सभी प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं, रिलेशनशिप हील कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन में रख सकते हैं, फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो रेकी के बहुत फायदे हैं, इसीलिए घर बैठे भी अब आप रेकी सीख सकते हैं, तो रेकी को जरूर सीखिए। अगर आपने अभी तक नहीं सीखी है तो आप सीखने का प्लान करिए, पर तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्मजिंग कर सकते हैं। आप कैसे हील करेंगे, 2 या 4 अगरबत्ती जला लें, या कि आपको धूप जला लेनी है और एक कोने से शुरू होकर, या तो पूजा के मंदिर से शुरू हो जाएं और एंटी क्लॉकवाइज उल्टा पूरे अपने घर में घूमें। आप पूरे घर में घूमें मन में ये सोचते हुए कि सारी नकारात्मक ऊर्जा मेरे घर से निकल रही है, धुआं पूरे घर में आपको कर देना है। अगर स्मज स्टिक से करते हैं तो और भी बेहतर है, नहीं तो अगरबत्ती या धूप से भी कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज आप घूमे, मंदिर तक पहुंच गए अपने घर के, और उसके बाद क्लॉकवाइज एक बार निगेटिविटी आपने हटा दी और दूसरी बार पॉजिटिविटी आपने भर दी, यानी क्लेंजिंग हो गई और उसके बाद पॉजिटिविटी आ गई। तो इस तरह से भी आप अपने घर को हील कर सकते हैं। जो भी निगेटिविटी घर से होगी वो जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो वो बाहर चली जाएगी, और क्लॉकवाइज घूमने में आप पॉजिटिव एनर्जी अपने घर में ला रहे हैं। तो इस तरह से बिना रेकी वाले भी ये काम कर सकते हैं और रेकी वाले भी ये काम कर सकते हैं। 2 उपाय ये ऐसे हैं जिनसे आप अपने घर को हील कर सकते हैं। तीसरा तरीका हीलिंग का होता है क्रिस्टल्स का यूज करना। क्रिस्टल्स में बहुत एनर्जी होती है, जहां पर भी हम रूम में क्रिस्टल को रखते हैं क्रिस्टल अपना काम करता है, उसकी वाइब्रेशंस इतनी होती हैं कि अपने आप आपका घर हील होता जाता है। तो जब भी हीलिंग की सोचें तो घर में कुछ क्रिस्टल्स को रखिए, रोज क्वार्ट्ज को रखिए, ब्लैक टर्मलिन को रखिए, क्योंकि निगेटिविटी को अब्सॉर्ब करता रहेगा। रॉक सॉल्ट लैंप भी आप रख सकते हैं,
एमेथिस्ट को रखिए, एक अच्छा सा एमेथिस्ट लेकर एमेथिस्ट को रखिए। इससे क्या होगा, घर में मेंटल पीस रहेगा, जो भी निगेटिविटी होगी ब्लैक टर्मलिन उसको एब्जॉर्ब करेगा और एमेथिस्ट जो होगा घर को स्ट्रेस फ्री बनाएगा। रोज क्वार्ट्ज जो होगा घर में खुशहाली और प्रेम का माहौल देगा। तो क्रिस्टल्स के द्वारा भी आप अपने घर को हील कर सकते हैं। स्विचवर्ड्स भी हैं, आप चाहें तो स्विचवर्ड्स भी चैंट कर सकते हैं। हीलिंग करने का बहुत अच्छा तरीका होता है घर में मंत्र बजा देना। आप घर में मंत्रों को बजाकर भी अपने घर को हील कर सकते हैं। और भी बहुत तरीके हैं जिनसे आप अपने घर को हील कर सकते हैं। अपने घर को फेंगशुई वास्तु के अनुसार ही डेकोरेट करें। उससे क्या होता है, एक तो आपके घर के एलिमेंट्स सारे बैलेंस हो जाते हैं, दूसरा जब आप उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने घर को सजा रहे होते हैं तो समझ लीजिए पॉजिटिविटी ही रहती है। जैसे कि फंक्शन में कहा है कि आपको नुकीली धारदार चीजों को डिस्प्ले नहीं करना है, जंगली जानवर की तस्वीरें आपको अपने घर में नहीं लगानी है, ठीक है, महाभारत की पेंटिंग आपको नहीं लगानी है। क्यों? क्योंकि लड़ाई को दिखाता है। जंगली जानवर क्यों? क्योंकि डरावने होते हैं, तो घर में निगेटिव चीज को फेंक रहे होते हैं। तो इन चीजों को याद रखते हुए अपने घर को सजाइए। अपने घर में लगाने हैं तो पीकॉक फेदर लगाइए, मोर पंख लगाइए, अपने घर में लोटस रखिए, आर्टिफिशियल या पेंटिंग, जो भी चीजें पॉजिटिविटी लाती हो घर में उन सारी चीजों को रखना शुरू करिए। ऐसी चीजें जिनको देखकर आपको ही अच्छा लगे, समझिए वो चीज पॉजिटिव है। जिनको देखकर आपको भी थोड़ा सा निगेटिव फीलिंग आए, डर की या स्ट्रेस की, तो समझ लीजिए वो चीज निगेटिव है। तो अपने घर को हील करने का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है कि वास्तु और फेंगशुई के नियमों का पालन करते हुए ही अपने घर की सजावट करें। आप चाहें तो हीलिंग के लिए बहुत सारे सिंबल्स भी हैं, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करिए। चाहे तो जीबू सिंबल में से ये वाला अबंडेंस का सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, ये प्रोटेक्शन का सिंबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ के लिए चाहिए तो हेल्थ का सिंबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी सिंबल्स को भी घर में हमेशा इस्तेमाल करिए। आप चाहें तो धार्मिक चिन्हों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के मेन डोर पे धार्मिक चिन्हों को डिस्प्ले करिए। अपने घर में अंदर भी आप चाहें तो धार्मिक चिन्हों को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके घर की पॉजिटिविटी बढ़ेगी और हीलिंग होती रहेगी। ग्रीन प्लांट्स को रखिए घर में। हीलिंग का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है अर्थ एनर्जी को एक्टिवेट कर लेना, तो ग्रीन प्लांट्स को रखिए। तो ये होते हैं कुछ तरीके जिनसे आप अपने घर की हीलिंग कर सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि को अट्रैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी। नमस्ते।